अखिल भारतीय बीएसएनएल पेंशनर्स कल्याण एसोसिएशन सोलन यूनिट ने बुधवार को सपरून स्थित कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेंशनरों ने अपनी बात को रखा। इस मौके पर अखिल भारतीय बीएसएनएल पेंशनर कल्याण एसोसिएशन सोलन यूनिट के प्रधान वीपी कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार को जगाने के लिए आज वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से उनकी पेंशन रिवीजन नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सभी केंद्र कर्मचारियों की पेंशन रिवीजन की जा चुकी है, लेकिन बीएसएनएल पेंशन रिवीजन नहीं हो पाई है। वही सोलन यूनिट के सेक्रेटरी केडी शर्मा ने कहा कि साल 2017 से उनकी पेंशन रिवीजन नहीं हो पाई। अगर अभी सरकार नहीं जागी तो फरवरी माह में एक प्रदर्शन दिल्ली कार्यालय के बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भारतवर्ष में सभी जिला मुख्यालय पर इस तरह के शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं ताकि सरकार जाग सके। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश भर में 2.5 लाख बीएसएनएल के पेंशनर हैं और सरकार उन्हें कम समझने का प्रयास कर रही है, लेकिन वह अपने मत का प्रयोग करना भी जानते हैं। ये हमारी जो ऑल इंडिया बीएसएनएल वेलफेयर एसोसिएशन है और हमारा पहले जो हमें मिलती थी वेजेस वो बीएसएनएल से मिलती थी। रिटायरमेंट के बाद हमें डीओटी देता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, लेकिन हमारी ये है कि हमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एट पार पेंशन रिवीजन, जैसा कि 2016 में उनका भी 7th जो पे सीपीसी था पे कमीशन, उनकी रिवाइज हुई है, हमारी नहीं हुई है। यही हमारी डिमांड है कि उनके एट पार हमें रिवीजन दिया जाए फ्रॉम 2016। सोलन में हमारे कम से कम 175-200 के बीच में। इस प्रदर्शन केंद्र सरकार को थोड़ा सा जगाने के लिए है, जो कि 5 साल से लेकर अभी तक हमारी पेंशन रिवीजन नहीं कर पाई। बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की सभी का पेंशन रिवीजन हो गया है, लेकिन हम लोगों का पेंशन रिवीजन ये 5 साल से लटकाए हुए हैं इस बात पे कि ये आईडीए पे स्केल पे, ये जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं इनको आईडीए पे स्केल मिलता है और इनका हम अलग से कोई फार्मूला तय करते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में सभी मुख्यालयों पर और एक मार्ग संचार भवन की तरफ भी हमारे हेडक्वार्टर वाले जो हमारे पदाधिकारी हैं वो ले जा रहे हैं। बाकी सभी पूरे देश समूचे भारत में यह प्रदर्शन चल रहा है और सभी मुख्यालयों पे, दूरसंचार विभाग के और बीएसएनएल के मुख्यालयों पे ये धरना और प्रदर्शन हो रहा है। आज ही नहीं, पिछले कल भी था। और अगर हमारी ये डिमांड्स अभी भी नहीं मानी, अभी भी सरकार ये नहीं सोचती है कि ये पेंशनर तो बहुत कम है, हमारे साथ बहुत संख्या जुड़ी है, हम 2.5 लाख के लगभग तो पेंशनर्स हैं ऑल इंडिया में, लेकिन हमारे साथ बहुत संख्या में बाकी भी लोग जुड़े हैं, तो हमारे को सरकार ये समझ रही कि इनके पास कोई वोटिंग पावर भी नहीं है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हमारा ये काम नहीं होता है, अब 5 सालों से जो लटकाए बैठी है सरकार, तो हम कुछ ना कुछ फिर और अधिक अपनी ताकत अपने मत के हिसाब से भी दिखाएंगे। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव।